हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे इस फास्ट वीक में कुछ हुआ था जो एक्चुअली बहुत अनएक्सपेक्टेड था एंड स्पेशली मेरी उम्र के बच्चों को नहीं होना चाहिए वो बट वो मेरी मिस्टेक की वजह से हुआ है uh, बहुत सारी चीज़ें डिले हुई हैं मेरा काम एवरी थिंग एवरी थिंग एंड कम्प्लीट दो तीन दिन के लिए मुझे बेड रेस्ट बोला गया था एंड uh, बहुत तकलीफ होने लगी थी एंड uh, उसकी वजह से मुझे कोई चीज़ लाइक uh, like, कोई चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही करने नहीं आ रहा था मुझे एक्चुअली नेक की प्रॉब्लम हो गई थी uh, चक्कर आने लगे थे बिकॉज मैं नेक की एक्सरसाइज नहीं करती थी जिम जाती थी लेकिन नेक की एक्सरसाइज करना ही भूल गई थी पिछले पाँच छः महीनों से थैंक गॉड कि मुझे वो घर पे हुई तकलीफ़ अगर मैं रोड पे होती और ऐसी कुछ चीज़ होती था मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो बेसिकली मॉम कर्नाटका गई थी उनके कॉलिग्स के साथ एंड नानी आई हुई थी तो नानी सेट के तुम तो ज़्यादा जाते नहीं हो कहीं पे बाहर तो मैं तो मैं लेके चलती हूँ सो शी फेल्ट लाइक टेकिंग अस आउट तो उन्होंने मुझे uh, मतलब मुझे और मेरी बहन को ले गए एंड कल्याणी नगर सो वो थोड़ा लाइक like, बहुत लेट आए हम घर पे लाइक टेन ओ के आसपास एंड uh, गए भी हम धूप में थे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी uh, हम हड़प्सर गए एंड uh, हड़पसर में भी थोड़ा लाइक like, लेट हुआ आने दस बजे होंगे हमें और दोनों दिन uh, नानी हमें बाहर ले गई तो दोनों दिन ज़्यादा ड्राइविंग हो गई uh, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा एक्जर्शन हुआ एंड तकलीफ होने लगी तो मेन मुझे ये तकलीफ दो तीन साल पहले तब हुई थी जब मेरा ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हो गया था उस दिन एंड uh, मैं कॉलेज से आई एंड लाइक द नेक्स्ट डे आई वाज़ ओके तो मुझे नहीं लगा इतना कुछ uh, होगा एंड यू नो मुझे वो सेंस होता था लेकिन आई यूज टू यू नो लाइक रेस्ट और जब से नानी आई uh, थोड़ा एग्जर्शन ज़्यादा हो गया एंड उसकी वजह से मुझे ना गर्दन में तकलीफ होने लगी एंड थोड़े दिन बाद लाइक दो तीन दिन, दिन बाद मॉम को वापस आना था एंड वो पुणे पहुँचे एंड मुझे फ़ोन किया कि मुस्कान मुझे लेने आ एंड मैंने बोला कि यार मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा आप रिक्शा से आ जाओ तो मी कि क्या हुआ तुझे तो मैंने बोला कि मो मुझे चक्कर जैसे हो रहा है और उल्टी भी आ रही है तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आ जाती हूँ एंड शी धोट इट्स नॉट लाइक सो सीरियस और मुझे भी थोड़ी पता था कि इतना सीरियस होगा uh, मुझे लगा पहले भी हो चुका है मेरे साथ ये लाइक uh, दो तीन साल पहले हो चुका है एंड मुझे लगा ऐसी चक्कर है इट्स नॉट दैट यू नो सीरियस तो मम्मी ने घर पे आई एंड शिटोल मी कि एसिडिटी हो रही होगी तुझे तो गोली ले ले तो मैंने एसिडिटी की दवाई ले ली uh, कोई फ़र्क नहीं पड़ा बट uh, फिर मेरी नानी ऐसे समझ रही थी जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो उन्होंने मुझे बोला कि चल उठ कुछ नहीं होता उठ जा गेट रेडी तुझे मुझे छोड़ने जाना है सो एज माई मॉम केम होम माई नानी हैड टू लीव आई हर टू द गेट कैसे तो भी करके मैंने उनको रिक्शा में बिठाया आई डोंट नो मुझे चक्कर गेट पे ही आने लगे थे बट मैं कैसे तो भी करके ऊपर आ गई मैंने नानी को बोला कि आप जाओ यहाँ से एंड नानी ने रिक्शा पकड़ी एंडशेंट एंड आफ्टर दैट मैं ऊपर आई एंड मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे को चक्कर जैसे हो रहा है इट्स नॉट स्टॉपिंग और जोर जोर से होने लगा था मुझे ऐसे में उठती और सामने का पूरा रोटेट होता था एंड मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एंड आई स्टार्ट क्राइम एंड फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ चाचू को फ़ोन करो एंड चाचू वॉज एन दर दोनों चाचू नहीं थे एंड फिर मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बोला कि सामने के जो डॉक्टर है उनको फ़ोन करो वो आ जाएंगे तो एक्चुअली उन्होंने ही फ़ोन लगाया एंड फिर उसके बाद वो आए मुझे चेक किया ही इज़ लाइक पल्स भी नॉर्मल है बीपी भी नॉर्मल है एवरी थिंग इज नॉर्मल बस पोजिशनल चक्कर है तुम्हें तो फिर मैंने बोला कि ठीक है उसके ऊपर कोई दवाई है क्या तो उन्होंने मुझे ओ बोला ओ दिया Uh, और एक कोई तो दवाई थी उन्होंने वो दी तो मैंने ओ आर एस पिया आई फेल्ट लिटिल बेटर मुझे कभी नहीं लगा था मुझे ओ आर एस की ज़रूरत पड़ेगी जिंदगी में एंड uh, फिर उनके उसके बाद ही इज़ लाइक कि मैं दो घंटे में फिर से आता हूँ आई विल कम टू चेक कि अगर तुम्हारा बी पी वगैरह सब नॉर्मल है कि नहीं फिर से फिर आफ्टर टू आफ्टर टू आवर्स फिर वो आए मुझे चेक करने एंड ही इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ नॉर्मल चक्कर रुकी कि नहीं तो मैंने बोला नहीं रुकी तो नहीं है लेकिन कम हुई है तो ही इज़ लाइक कि कितनी परसेंट कम हुई तो मैंने बोला फोर्टी परसेंट तो भी कम हुई है एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे वो उल्टी की दवा uh, uh, दी एंड uh, फिर मैं फिर से सो गई एंड uh, चाचू ने बोला कि नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट अपन ऑर्थोपेडिक के वहाँ पे बुक करते तो uh, फिर उधर गए हम लाइक द नेक्स्ट डे उन्होंने अपॉइंटमेंट ली कितने ग्यारह बजे की आई गैस ग्यारह या दो बजे की आई डोन्ट रिम्बर मच तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे गए एंड द डॉक्टर सेट कि गर्दन हिला के दिखाओ uh, मुझे तब कुछ नहीं हुआ एंड आई वॉट टू टेल हिम कि मुझे उल्टी जैसे भी हो रहा है बटन uh, उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह लिख के दी uh, दो सुबह एंड uh, लाइक चार रात में ऐसे कुछ तो दवाइए दवाई थे एंड देन ट्यूब Uh, एक क्रीम है जो हमें uh, मुझे लगाने के लिए बोला तो uh, मतलब उससे थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता था बट थोड़ा रिलीफ तो मिल चुका है एंड मेडिसिन वो सब उन्होंने दिया एंड देन आफ्टर दैट डिसाइड कि टू टू थ्री डेज बाद जब तुम्हारा दवाई, दवाई का कोर्स खत्म होगा मुझे ब्लड टेस्ट और यूरिन uh, टेस्ट करके मुझे रिपोर्ट्स बताना आई विल चेक अगर कुछ uh, uh, अगर कुछ दिखाई दिया उस रिपोर्ट में तो, तो अभी तो फिर कल या परसों में मैं ब्लड टेस्ट और वो सब करवा लूंगी एंड ऑल अपडेट अगर अगर कुछ सीवियर होता है मुझे तो आई होप सो ना हो बट स्टिल सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आ, कोई भी एज के हो डू नॉट फगेट डूइंग योर नेक एक्सरसाइजेज आप खुद ही सोचो अगर आप रास्ते पे हो और ऐसे कुछ चक्कर आ गए वट आई यू गोइंग टू डू हाउ आई यू गोइंग टू गो होम आपको कोई मदद करने वाला नहीं हो तो प्लीज जो भी डेस्क जॉब हो कुछ कोई भी कोई भी जॉब आप करते हो एकदम नेक्स्ट मॉर्निंग यू वेकअप यू शुड डू यूर एक्सरसाइजेज नैक एक्सरसाइजेज जस्ट वॉन्टेड टू शेयर वट इज हैपनिंग टू मी एंड ये गलती आपसे ना हो uh, आप कितने भी फिट uh, uh, या हेल्दी आप ख़ुद को समझते हो स्टिल ट्राई टू डू योर नेक एक्सरसाइजेस इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू

एंड आई होप आप ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहो और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ तब तक के लिए गुड बाय